हमीरपुर एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन की नई कार्यकारिणी गठित की गई। ये चुनाव प्रांतीय प्रधान नील कमल गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुए। इन चुनावों में राज्य स्तरीय पदाधिकारियों व हमीरपुर के परिचालक संघ के सदस्यों ने भाग लिया। वो चुनावों व सर्वसहमति से पदाधिकारियों को चुना गया। इन चुनावों के बाद हमीरपुर परिचालक संघ के अध्यक्ष सतीश कुमार, उपाध्यक्ष गोपाल चंद व राजेश कुमार, प्रधान प्यारेलाल, उप प्रधान जसवीर पटियाल व मदन सिंह डोगरा, सचिव विशाल, विनय कुमार व राजीव, सह सचिव बलवीर सिंह, नरेश कुमार, राहुल चौहान व रविकांत, कोषाध्यक्ष रवि कुमार, प्रदेश राजेंद्र कुमार व अमित कुमार, प्रेस सचिव राकेश कुमार, अरविंद कुमार, कार्यकारिणी सदस्य रमन सिंह, अरुण शर्मा, विकास शर्मा, अनिल चौहान आदि को चुना गया। वहीं इसके साथ ही चुनावों के अलावा संघ ने प्रदेश के परिवहन मंत्री को संघ के सदस्यों को आ रही दिक्कतों के चलते 11 मांगों का मांग पत्र भी भेजा है, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन देने, अवैध यात्री वाहनों पर लगाम लगाने, रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने, सड़कों की खराब हालत को सुधारने, चालक परिचालकों के विश्राम गृहों की दशा को सुधारने जैसी मांगों को पूरा करने के समर्थन में पत्र भेजा गया। हिमाचल प्रदेश हमारी यूनियन का पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में इन दिनों नई कार्यकारिणी का गठन का कार्यक्रम चला हुआ है, जिस कार्यक्रम के तहत 20 दिसंबर को रिकांगपियो, 21 दिसंबर को रामपुर, 20 जनवरी को नालागढ़ क्षेत्र और पिछले कल 3 फरवरी को उन्ना क्षेत्र और उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए आज 4 तारीख को कंडक्टर यूनियन हमीरपुर क्षेत्र के सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं। परिवहन निगम को आगे ले जाने के लिए, इसको उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए सभी संगठन कार्यरत है, परंतु कंडक्टर यूनियन का एक अहम हिस्सा इसको उन्नति की तरफ अग्रसर ले जाने के लिए रहेगा। और हमारा प्रयास है कि हम लोगों को एक अच्छी यात्रा की सुविधा प्रदान करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और यह कार्यक्रम हमारा क्षेत्र के सभी डिपो तक होगा। आगामी कार्यक्रम हमारा चुनाव का कार्यक्रम हमारा जो नया डिपो बना है हिमाचल परिवहन निगम परमाणु का है, और शीघ्र ही वहां